तो निकाय चुनाव के दृष्टिगत आज कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम एसपी ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें, जिलाधिकारी नितिन बंसल व एसपी सतपाल अंतिल की संयुक्त प्रेस वार्ता में निकाय चुनाव को लेकर निष्पक्ष व भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने समीक्षा बैठक 11 से 17 तारीख तक किए जाएंगे। आपको बता दें, नॉमिनेशन फॉर्म 18 अप्रैल को होंगे। पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन तैयार, चुनाव में अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम ने दिए कड़े निर्देश के संबंध में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से लेकर और लास्ट में इलेक्शन के अनाउंसमेंट तक लगातार पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 220 मतदान केंद्रों पर हर किसी पे एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा उस मतदान केंद्र से संबंधित जितनी भी रेलेवेंट सूचनाएं हैं उनको संकलित की जाएगी, पुलिस के द्वारा प्रभावी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 107-16 गुंडा गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी। शराब के अवैध शराब का किसी भी प्रकार का चलन ना हो, इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट के साथ में और एरिया में डोमिनेशन कराते हुए सकुशल निष्पक्ष तरीके से चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव 2023 की घोषणा माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल की जा चुकी है। आज दिनांक 10 तारीख को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक अधिसूचना निर्गत कर दी गई और कल हमारे आरओस द्वारा तो इसकी अधिसूचना निर्गत करी जाएगी। 11 से 17 तारीख तक नामांकन लिया जाएगा, 18 तारीख को उसकी समीक्षा करी जाएगी, 20 तारीख तक नाम वापसी ली जा सकती है और 21 तारीख को चिन्ह आवंटन किया जाएगा। मतदान का दिनांक जो है वो 4 मई निर्धारित है और 13 मई को वोटों की गिनती करी जाएगी। इसमें अगर जनपद में बताऊं तो 19 हमारी नगर निकाय हैं जो 279 वार्ड उसमें हैं, 220 मतदान केंद्र उसमें विभाजित किए गए हैं और 506 मतदेय स्थल हैं। तो कुल हमारे मतदाताओं की संख्या आज की डेट में 457,814 हैं। ये जो मतदाता हैं 506 मतदेय स्थलों पर अपने वोट का प्रयोग करेंगे। पूरे नगर निकायों को सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है और हमारी सभी कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नामित हैं। आरओस की ट्रेनिंग हो चुकी है, दोबारा से उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए भी संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है और जैसे ही हमारे कैंडिडेट तय हो जाएंगे दोबारा से भी उनकी समीक्षा करी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, वो लागू हो गई है और इसमें सभी कैंडिडेट्स को, सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसके लिए हमारी टीमें भी गठित हुई गई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित की गई हैं। निर्वाचन की जो व्यय की सीमा है उनका भी वो समीक्षा करेंगी और अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन उनको मिलता है तो उसके विरुद्ध भी वो कार्रवाई करेंगे।